खबर जनपद बहराइच से, जहां पर डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही हुई चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत। नानपारा शिवपुर मार्ग पर मंगलवार शाम 5 बजे डंपर से टक्कर से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को CSC नानपारा भेजा। रुपईडीहा से मुंडन संस्कार में शामिल होने के बाद एक बाइक पर 5 लोग सवार होकर वापस अपने घर पथारकला थाना खैरी घाट जा रहे थे। कोतवाली नानपारा अंतर्गत कोटवा गांव के पास डंपर ने पीछे से रौंद दिया। मौके पर ही चाचा और भतीजे की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और पुत्र समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बता दें कि खैरी घाट थाना क्षेत्र के पथारकला निवासी सुबेदार 65 वर्षीय की रिश्तेदारी में मंगलवार को रुपये डीहा में मुंडन संस्कार था। सुबेदार समेत अन्य लोग मुंडन में शामिल होने गए थे। मंगलवार शाम को सुबेदार और उनका भतीजा सर्वेश 25 वर्षीय और सर्वेश की पत्नी रेखा 24 वर्षीय, पुत्र प्रेम 7 वर्षीय और पुत्री शिल्पा 5 वर्षीय एक बाइक पर सवार होकर घर वापस आ रहे थे। कोतवाली नानपारा के कोटवा गांव के निकट बाइक सवार पहुंचे, तभी शाम 5 बजे के आसपास डंपर ने पीछे से रौंद दिया। मौके पर ही चाचा सुबेदार और भतीजे सर्वेश की कुचलकर मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सड़क पर बिखरे मृतक के मांस को बोरे में बटोर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल मां और बेटे तथा बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाल भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक सर्वेश के साले की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।